नमस्कार। बिहार यात्रा में अब एन भारत बिहार की राजधानी पटना में है, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी चुनावी सरगर्मियों के बीच बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक मिथिलेश तिवारी जी से हम चर्चा करने आ पहुंचे हैं। मिथिलेश तिवारी बहुत ही तेज तर्रार राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, युवाओं को बहुत प्रभावित करते हैं। आइए हम बात करते हैं मिथिलेश तिवारी जी से। आपका एन भारत पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। ये बताइए कि ये चुनाव कोरोना काल के बाद पहला चुनाव होना है, इस चुनाव को बाकी अन्य चुनावों से इतर किस रूप में आप पाते हैं? देखिए, ये तो वैश्विक संकट है और हम लोगों ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और हम चाहते थे कि जिस जनता के लिए 5 साल से हम लोग सीधे जनता के संपर्क में रहे और उनके लिए हर प्रकार के वो काम हमने किए हैं, हम भी चाहते थे कि हम लोग बड़ा मंच लगाते, हमारे बड़े बड़े नेता उतरते और हम लोग इसको थोड़ा सा पूरी तरह जनता के बीच में एक सेलिब्रेटिंग मोड में हम लोग चुनाव लड़ते। लेकिन अब तो कोरोना संकट है और उसमें हमको लगता है कि अब अगला चुनाव का फॉर्मेट क्या होगा धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है जी। और शायद हम लोग डिजिटल माध्यम के से ही हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा संकट है कि गांव में अभी लोग इसको अभी भी लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और ये हम लोगों के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। लेकिन अब चुनाव है, समय पर होना है और हमको अपनी बात भी कहनी है, लोगों के संकट को भी दूर करना है और चुनाव में हम लोगों को विजय भी प्राप्त करना है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए तो ये थोड़ा चुनौती है। ये बताएं कि बाकी चुनावों के मुकाबले इस चुनाव में आपके साथ या किसी भी दल के साथ बहुत सारी विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का और आपके गठबंधन NDA का मुख्य मुद्दा क्या रहने वाला? देखिए, ये बात एक समझने वाली बात है कि जब मोदी जी भारत की राजनीति के केंद्र में आए, उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत बढ़ाया और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश में 38 करोड़ तो उन्होंने बैंक खाते खुलवाए हैं। और अब जब कोरोना का संकट है तो ये दोनों चीज़ हम लोगों के लिए और देशवासियों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो जिस समय अखबार बंद था, केवल लोग टेलीविज़न देखते थे, उस समय भी लोगों तक सारी इन्फॉर्मेशन इस कोरोना काल में भी भारत सरकार और बिहार सरकार ने या हम लोगों ने लोगों तक बहुत ही बेहतर तरीके से हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने पहुंचाया है। और उसके साथ साथ बैंक खाता खुलने के कारण आपने देखा होगा कि दिल्ली में बैठ के नरेंद्र मोदी जी देश के 130 करोड़ लोगों तक पहुँच गए। जिस समय लोग बाजार नहीं जाते थे उस समय प्रधानमंत्री जी का पैसा गरीबों के खाता में जाता था और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही। आज इसकी गांव-गांव में चर्चा है, मोदी वाला रुपया वा आई हुआ। आप बिहार चुनाव में मोदी जी की बात करते हैं तो हम बात कर लें केंद्रीय राजनीति की कि वहाँ जो एजेंडा सेट किया गया था, चाहे धारा 370 हो, 35A हो, राम मंदिर हो, 3 तलाक हो या अन्य कोई, सभी पूरे कर लिए गए हैं। क्या बिहार का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मुद्दों पर ही लड़ेंगे? देखिए, चुनाव कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो हम किसी भी चुनाव में केंद्रीय मुद्दा तो छोड़ ही नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए बनी भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए बनी। और जब हम चुनाव में जाएंगे तो स्वाभाविक है हमारे 370 के मुद्दे हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। देश बार बार इसको सुनना चाहता है कि 60 साल और 70 साल में जो नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 6 साल में हो गया। और हम लोग भी जब गांव में चर्चा करते हैं तो लोग इस पर बहुत खुश होकर के ताली बजाते हैं, तो स्वाभाविक है हमने ये किया है तो हम निश्चित इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी बात समझने वाली है कि हम लोगों पर आरोप क्या लगते थे, हम जब बोलते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तो हम पर आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग केवल जुमला बोलते हैं जी, राम मंदिर बनने जा रहा है। अब राम मंदिर का मामला सॉर्ट आउट हो गया तो विपक्ष के लोगों का मुंह बंद है। हम कहते थे कि 370 लाएंगे और 370 हटाएंगे,
तो हम लोग तो 303 ला करके 370 हटा दिए। जब 370 हटा दिए तो स्वाभाविक है देश में हम बताएंगे हमने एनपीआर लागू किया तो पूरे देश में किस प्रकार का माहौल बनाया गया विपक्ष के माध्यम से। क्या यह देश के जो सबसे संवेदनशील मुद्दे हैं आखिर ये कब हल होंगे? तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि हमारे शुरू में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी दिखते थे, जब हमने भारतीय जनता पार्टी को एक दीपक के रूप में देश में जलाया था, और 80 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, और जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और 24 दलों को लेकर के बने, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, कई मिथक को तोड़ते हुए दोबारा वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुए। तो जब अब हम उस स्थिति में हैं कि हम देश के सभी विवादित मुद्दों का समाधान करेंगे, तो हमने पाकिस्तान का भी समाधान किया और देश में जो पाकिस्तान का एजेंडा चलता था उसका भी हमने समाधान किया, तो स्वाभाविक है हम जाएंगे चुनाव में तो इसकी भी चर्चा अवश्य करेंगे। जब आपने पाकिस्तान की बात की है तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो POK है, अक्साई चीन है, हम उसे कब हासिल करेंगे? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, संगठन के बड़े नेता माने जाते हैं, तो आप बताइए। देखिए, ये बात तय है कि आज जो दिल्ली में नेतृत्व बैठा है वो एक इंच अपना देने वाला नेतृत्व नहीं, बल्कि जो हमारा पहले चला गया है उसको वापस लेके आने वाला नेतृत्व जी। और जैसे क्रिकेट की मैच में सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड पर उतरते थे तो लोगों के मन में एक आशा जगती थी कि यह टीम जरूर जीतेगी, उसी प्रकार की स्थिति आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, इस पे पूरे भारतवासियों का विश्वास है कि यह टीम जब आज है तो आज एक दिन देखिएगा POK सियाचिन के अभी समस्या का समाधान होगा, और जो हमारे भारत का अंग चला गया था उसको हम अब लेके आए, और ये हमको भी विश्वास है और भारतवासियों को भी विश्वास है। जी, अभी आपने बातचीत के क्रम में क्रिकेट का जिक्र किया, बिहार में क्रिकेट संघ लगभग निष्क्रिय और निष्प्राण हो चुकी थी, ऐसे में आपके विषय में ये जानकारी है कि आपने क्रिकेट संघ को जीवित करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, उसके विषय में बताइए। देखिए, ये आज भी मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ खेल के मामले में, और मैं ये बेबाकी से कहता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि इसी बिहार का अंग झारखंड, जहाँ से कितने बड़े बड़े खिलाड़ी निकले, और हमारा जो विभाजित बिहार है 2001 में जब लालू जी क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लालू जी तो हमारे गोपालगंज जिले के रहने वाले थे, मैं भी उस जिले का रहने वाला हूँ, मैं खुद भी अच्छे क्रिकेट संघ नहीं होने के कारण, अच्छे खेल वातावरण नहीं होने के कारण हम लोग स्वयं भी अपने बचपन में जो चाहते थे बनना नहीं बन पाए, लेकिन हमने कहा कोई तो आगे बढ़े। और जब लालू जी अध्यक्ष बने तो मेरे मन में ये विषय आया, मैं उस समय BJP स्पोर्ट्स सेल का जनरल सेक्रेटरी था, और मेरे मन में आया कि लालू यादव को गुल्ली डंडा आता नहीं है, ये फिर क्रिकेट के अध्यक्ष कैसे बन गए? तो क्रिकेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें बहुत पैसा था, उसमें चकाचौंध थी, उसमें बड़े बड़े स्टारडम थे, उसके लालच में लालू जी को अध्यक्ष लोगों ने बनाया, तो मैंने उनके खिलाफ एक क्रिकेट संघ बनाया, उसका नाम एसोसिएशन ऑफ बिहार क्रिकेट। जब हमने क्रिकेट संघ का गठन किया, कीर्ति आजाद जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया, बाद के दिनों में उसमें हमने मनोज तिवारी को लाए, लेकिन उस लड़ाई से फायदा ये हुआ कि लालू जी की अंततः विदाई क्रिकेट से होगी, और आज क्रिकेट संघ है जिसको मान्यता है और हमारे बिहार के खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि कुछ और चीज़ें अगर ठीक हो जाएं, हमारे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारी सरकार प्रयास कर रही है, BCCI भी इसको देख रहा है, पहले तो एक उहापोह की स्थिति थी कि किसको पैसा दें, अब वो स्थिति खत्म हो गई, लेकिन अभी भी उस समय के कई ऐसे लोग जो दीमक बन के खेल संघों को खा रहे थे वो आज भी उसमें बैठे हैं जी, और मुझे विश्वास है कि समय आएगा वो भी समाप्त होंगे और फिर से बिहार में क्रिकेट का सुनहरा भविष्य, अन्य खेलों का सुनहरा भविष्य वापस आएगा, और इसके लिए जो करना होगा मेरे जैसा व्यक्ति हमेशा करता रहेगा, और हम चाहते हैं कि बिहार कई चीजों में जाना जाता है, बिहार की पहचान खेल के माध्यम से भी राष्ट्रीय फलक पर हो जी। अब आपके विधानसभा से मेरा प्रश्न है कि बैकुंठपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आपसे पहले विजित नहीं हुआ था,
आप संगठन के कार्यकर्ता थे, आपको पत्थर पर धूप जमाने के लिए कैसे आमंत्रित किया गया और कैसे आप तैयार हुए उसके विषय में बताएं। देखिए, बात सही है कि जब बिहार में एनडीए गठबंधन बना उसके पहले भारतीय जनता पार्टी से हमारे क्षेत्र में पहले कई लोग, सीनियर लोग चुनाव लड़े और सम्मानजनक वोट हमको नहीं मिलता था। लेकिन वो उस समय का की बात है, वो दौर अलग था जब दिया छाप लेके कोई लड़ता था, या 2005 से पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जो लड़ते थे उनको वोट नहीं मिला। मेरे लिए चुनौती जरूर था। गठबंधन जब टूटा 2012-13 तो हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री जी ने मुझे कहा कि भाई आप जरा प्रयास करो कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जमे। और मैं गया वहाँ, मेरा घर था वहाँ, मैंने जाकर के घर पर मैं ढाई साल में पटना में रहा ही नहीं, और ढाई साल में गांव गांव घूम करके मैंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और जब चुनाव आया, पार्टी ने जब मुझे उम्मीदवार बनाया, उसके पहले भी कई संकट आए। जो उस समय के विधायक थे उन्होंने मुझे मेरे ऊपर एक फर्जी केस करवाया। सरकार, उस समय की सरकार जो थी, आप जानते हैं जदयू और आरजेडी की सरकार थी, और उस समय के लोगों ने मुझे जेल भेजने की और कई प्रकार के यत्न लोगों ने किए। लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा चुनाव चिन्ह है कमल, वो हमेशा कीचड़ से खिला है। और मुझे विश्वास था कि चाहे जितने भी यत्न करेंगे लोग, जनता अंतिम में मोहर हमारे नाम पर लगाएगी। और जब पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो आप जानते हैं कि जिस समय चुनाव 2015 का हुआ, विपरीत परिस्थिति में मैं 15,000 वोट से जीता है। और तब जीता जब वहाँ एक बड़े नेता थे, उनकी पत्नी लड़ रही थी, सहानुभूति की लहर उनके तरफ थी, लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन था, और उस समय किसी को भरोसा नहीं था कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा। लेकिन बैकुंठपुर की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरी पार्टी के ऊपर भरोसा किया और एक सम्मानजनक वोट से मुझे जिताया, और आज मैं उन्हीं के आशीर्वाद से वहाँ खड़ा। एक अंतिम प्रश्न कि इस तरह विपरीत परिस्थितियों में आपने हर जगह कमल खिलाने का काम किया, हर ऐसे ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हैं जहां उनकी सीटें कम रही हैं, वहां भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रशंसक हैं, बहुत वोटर हैं, बावजूद उसके आप बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, क्या इसको असफलता मानते हैं? देखिए, प्रश्न तो बड़ा ही गूढ़ है, पर यह स्वाभाविक है, मेरे जैसे कार्यकर्ता या हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के मन में यह विषय आता है कि अगर हम त्रिपुरा में सरकार बना सकते हैं, हम आसाम में सरकार बना सकते हैं, तो बिहार में क्यों? और शायद ये प्रश्न हमारे केंद्रीय नेतृत्व के भी सामने होगा, हमारे प्रदेश नेतृत्व के सामने भी होगा। लेकिन आज तो जिस परिस्थिति में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसमें नीतीश जी का एक अच्छा नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी और रामविलास जी का गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तो हम लोगों को एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, जीतना है, सरकार बनाना है। लेकिन आगे भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में कभी बने, ये तो हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और ये चाहत मेरी भी है। लेकिन आज नीतीश जी बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है और हम सब लोग नीतीश जी को बनाने में लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगामी चुनाव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बने रहिए एन भारत के साथ, लगातार बिहार की कवरेज आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।